हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एफबी फॉर्मूला जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफी यूज होता है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है शर्मा जी की। तो शर्मा जी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक भी वीडियो जैसा कि मैं जानता हूं अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना ही यूट्यूब पर और ना ही गूगल पर। तो जैसा कि मैंने सर्च किया तो एक भी अवेलेबल नहीं है वीडियो। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना पहले इस वीडियो को बनाऊं मैं, और सबको ये बात पता चले कि फ्यूचर वैल्यू भी एक फॉर्मूला होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। एक्सेल में तो होता ही है, एक्सेस में भी यूज हो सकता है, और वो कैसे यूज होता है ये हम देखेंगे। और जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है कि इस डेटा को एडिट कर दीजिए मेरे लिए, शर्मा जी ने भेजा है कि एक ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बना करके दे दीजिए, तो वो लगभग काम पूरा हो चुका है और जल्दी मैं आपको सॉफ्टवेयर भी भेज दूंगा। और एक और किसी ने रिक्वेस्ट करी है जिसमें इन्होंने मुझे बोला है कि एक पूरा फॉर्मेट दिया है, एक्सेल पे बना हुआ है पूरा फॉर्मेट, और उसमें उसको एक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो वो भी काम लगभग पूरा हो गया है, तो वो भी सॉफ्टवेयर जल्द ही मैं दे दूंगा आपको। ये वीडियो फिलहाल फ्यूचर वैल्यू के लिए है, तो अगर आप फ्यूचर वैल्यू जानते हैं तो वैसा सॉफ्टवेयर जैसा कि शर्मा जी ने डिमांड किया है बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए ये फ्यूचर वैल्यू सीखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां से क्रिएट पे जाइए, और एक नया टेबल मैं ले लेता हूं, और यहां से जाना है आपको डिजाइन व्यू पे, ठीक है। और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद यहां पे फ्यूचर वैल्यू ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, और फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ हम पीएमटी फॉर्मूला भी देखेंगे, चूंकि पीएमटी फॉर्मूला भी चाहिए इसमें, ठीक है, इस वजह से मैं पीएमटी फॉर्मूला भी इसमें सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं फ्यूचर वैल्यू, और यहां पर देखिए आईडी आ रही है, तो मैं यहां पे कर देता हूं लोन आईडी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहां पे लोन आईडी, और इसको रख देता हूं ऑटो नंबर, ये ऑटो नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली आपको इंटरेस्ट रेट लिखना है। क्या लिखना है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट परसेंट में होता है, प्रॉब्लम ये होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कि परसेंट यहां आता नहीं है, जब नंबर लिखेंगे तो परसेंट आएगा नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए और इसको बना दीजिए डबल, यहां से आप डबल कर सकते हैं इसको, ठीक है, डबल कर दिया हमने। और यहां फॉर्मेट में लिख दीजिए परसेंट, यहां पर लिखा मैंने परसेंट, फॉर्मेट में क्या दे दिया हमने, परसेंट दे दिया, तो बहुत ही इजिली अब परसेंट में ये कैलकुलेट होकर आएगा, ये तरीका है, ठीक है। अब यहां पर क्या देना है, देखिए हमने सब कुछ दे दिया, लोन आईडी दे दी और इंटरेस्ट रेट भी दे दिया, अब हमको नंबर ऑफ पीरियड देना है, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो ये लिखा हमने नंबर ऑफ पीरियड, और नंबर ऑफ पीरियड अगर आप पॉइंट में देना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस अप्लाई करिए इस पे भी। फिलहाल मैं नंबर ऑफ पीरियड पॉइंट में नहीं देना चाहता, तो यहां पे नंबर ही लिख लेता हूं, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, लोन अमाउंट देना है, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो लोन अमाउंट आप यहां पे दे दीजिए, लोन अमाउंट, ओके तो लोन अमाउंट भी दे दिया हमने यहां पे सिंगल लाइन, ठीक है। और यहां पर लोन अमाउंट जो है नंबर डेटा टाइप हो जाएगा। अब यहां पर जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां पे हमें पीएमटी फॉर्मूला लगाना है, मैं यहां पे पीएमटी के बजाय पेमेंट लिख देता हूं, ठीक है, पेमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तब पीएमटी लिखेंगे। और यहां पर जो पेमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, हम चाहते हैं कि वो डेसिमल वैल्यू भी कंटेन करे, तो यहां पर फिर वही काम कि यहां से हम इसको डबल बना सकते हैं और बस यहां से ओके प्रेस करेंगे, तो ये इस तरीके से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहां से हमको समझने वाला काम करना है, क्योंकि क्वेरी सारी यहीं से स्टार्ट होती है, बाकी का काम तो बहुत आसान है, लेकिन यहां से थोड़ी सी कठिनाई आएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से ये काम कर पाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और यहां से हम फ्यूचर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पे लोन आईडी हमें चाहिए ही चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड चाहिए, लोन अमाउंट चाहिए, पेमेंट चाहिए। पेमेंट वाले पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको जूम व्यू पे लेता हूं और यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पीएमटी फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। पीएमटी लिखा हमने, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे यहां पे, तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो यहां लिख दिया इंटरेस्ट रेट, और इसको हम कर देंगे 12 से डिवाइड। डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक महीने का चाहिए कि एक महीने में हमें कितना पेमेंट करना होगा, पीएमटी फॉर्मूले अगर हम लोन लेते हैं किसी से तो एक महीने में हमें कितना पेमेंट देना होगा, दैट्स वाई। अब यहां करेंगे नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने नंबर ऑफ पीरियड, ओके। और नंबर ऑफ पीरियड जो है इसको 12 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक महीने का कैलकुलेट करना है इसलिए यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। अब यहां पर क्या करेंगे, लोन अमाउंट, जो भी हमारा लोन अमाउंट है वो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिया हमने लोन अमाउंट, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कॉमा देंगे, जीरो देंगे, फ्यूचर वैल्यू जीरो रहती है हमेशा, और जीरो यहां लिखने से क्या होता है, महीने के स्टार्ट से ब्याज कैलकुलेट करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। अगर वन लिख दूंगा तो क्या होगा, महीने के जिस डेट पे आप लोन ले रहे हो उस डेट से लोन कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिलहाल जीरो रखता हूं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, पॉइंट में अंतर आएगा। और यहां से इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेमेंट आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये पेमेंट कैलकुलेट हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो यहां सपोज कीजिए 12% इंटरेस्ट रेट रखता हूं मैं, और नंबर ऑफ पीरियड क्या रखता हूं, 5 ईयर रखता हूं। ठीक है, और लोन अमाउंट रखता हूं 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए के हिसाब से 222 रुपए महीने आपको चुकाने होंगे। 222 रुपए, 4 4 4, ये जो पॉइंट में वैल्यू आई है ये आपको चुकाना होगा। इसी तरह से अगर कोई और इंटरेस्ट रेट हो, 5% इंटरेस्ट रेट हो, और 1 साल के लिए ही हो, और 1,00,000 रुपए पर हो, ठीक है, तो कितना होगा, तो आपको 8,560 रुपए 5% के हिसाब से हर महीने चुकाने होंगे। ठीक है, 1,00,000 रुपए के लिए। ये जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो पीएमटी फॉर्मूला। ठीक है, अब हम तो बात कर रहे हैं एफबी फॉर्मूले की, तो चलिए ये अब एफबी फॉर्मूले की भी बात कर ली जाए। और टेबल बना लेते हैं यहां से, और ये मैं लिखता हूं फ्यूचर वैल्यू। तो यहां पर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तुरंत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर सबका अलग अलग होता है, दैट्स वाई हम इसे प्राइमरी की भी बना सकते हैं। प्राइमरी की हमने बना दिया, हम इसको ऑटो नंबर रखते हैं फिलहाल। ठीक है, अब अकाउंट नंबर तो हमने ले लिया, अकाउंट नंबर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देता हूं मैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट लिखा मैंने, ये लिख दिया। अब ये होगा नंबर डेटा टाइप, तो सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और यहां पर क्या होगा, इसको लॉन्ग बना लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, ये डबल बना लेंगे, लॉन्ग नहीं बल्कि डबल बनाएंगे इसे। और यहां पर फॉर्मेट पे क्या कर देंगे, परसेंट लिख देंगे हम, परसेंट। आप ड्रॉप डाउन से चूज भी कर सकते हैं, यहां से ड्रॉप डाउन आ जाएगी और आप यहां से चूज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं परसेंट ही रखता हूं। और अब हमें यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ पीरियड देना, कितने सालों के लिए आप खाता खोल रहे हैं, कितने दिनों के लिए खाता खोल रहे हैं, वो चीज यहां पे आएगी। तो नंबर ऑफ पीरियड दे दिया हमने, ओके। अब क्या बचा, अब अकाउंट नंबर दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया, अब डिनोमिनेशन कितने से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेशन यानी डेनो मतलब कितने रुपए से आप खाता खोल रहे हैं, वो चीज यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया, ठीक है ना, ये कर दिया हमने। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा है। अब यहां पे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां लिखता हूं मैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये लिखा हमने, और यहां पर फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड है और ये फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू को भी क्यों ना हम यहां से डबल बना दें, और यहां से आप इसको यस करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से शो होगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। ठीक है, आइए चलिए क्वेरी बनाते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो यहां पे क्वेरी डिजाइन पे आ जाइए, और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद यहां से फ्यूचर वैल्यू नहीं था हमारा, ये वाला है। ठीक है, तो इसी को लेना होगा, यहां क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और ये वाला फ्यूचर वैल्यू ये ले लिया हमने। ठीक है, अब अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पीरियड, डेनो और फ्यूचर वैल्यू, यहां पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, एफबी फॉर्मूले से होगा। आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं एफबी, स्मॉल ब्रैकेट लगाया हमने। अब यहां पर आएगा इंटरेस्ट रेट, तो यहां लिखता हूं इंटरेस्ट रेट, लिख दिया, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पे आएंगे नंबर ऑफ पीरियड, ओके तो नंबर ऑफ पीरियड की हमने, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, कॉमा देंगे, अब क्या बचा, अब बचा
कितने रुपए से, डेनो यानी कितने रुपए से खाता खुल रहा है आपका, तो वो डेनो यहाँ पे आ जाएगा, डेनो कर दिया हमने। अब कॉमा देंगे और यहाँ जीरो वो महीने के स्टार्टिंग से हो हम लोग कर लें। फिर अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट जैसे मान लीजिए 6% हमने दे दिया इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पीरियड 5 साल के लिए कर दिया, डेनो यानी 1000 रुपए से हम खाता खोल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए के हिसाब से आप देख सकते हैं ये माइनस में आ रहा है, इसको मैं अभी सही कर देता हूं, ठीक है। ये जो 1000 रुपए के हिसाब से है देख सकते हैं आप, इसके हिसाब से 69,770 रुपए 30 पैसे के लगभग हम गेन पर कर पाएंगे अगर हम 1000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो 5 सालों में ब्याज के साथ, कितना ब्याज के साथ, 6% ब्याज के साथ हमें इतना रुपया मिल जाएगा। आइए इसको सही कर लेते हैं, हम प्रॉपर्टी शीट में चल करके इसको सही करना होगा। तो ये हमारी क्वेरी है और यहाँ से ये जो फॉर्मेट है इसको सही कर लेते हैं हम, डेसिमल प्लेसेस ये जो दिया हुआ है और ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को हम बना देते हैं करेंसी, ठीक है। जैसे ही करेंसी बनाएंगे ये सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये आ गया 69,770 रुपए और 3 पैसे के हिसाब से ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मान लीजिए कि हम 3% इंटरेस्ट देंगे तो 3% के हिसाब से 5 साल में 1000 रुपए का कितना आएगा, तो वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 5 साल में 3% अगर कर देंगे तो इतना ही रुपया मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 6% करते हैं तो इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4.5% करता हूँ, ठीक है। अगर 4.5% का ब्याज देंगे और हम 2 साल की बात करें और 1000 रुपए का अकाउंट खोलें हम, तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं 2 साल के लिए, तो यानी ब्याज कितना आ रहा है, तो 24,000 तो हम डिपॉजिट ही कर देंगे, तो 25,064 रुपए और 3 पैसे ब्याज ये सब ले देकर इतना कैलकुलेट होकर आ रहा है। इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ब्याज जो है अब 2.1% रह गया, तो अभी 2.1% 1 साल के लिए कितना आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 साल करता हूँ और वही अमाउंट 1000 ही रखता हूँ, आप कोई और भी अमाउंट रख सकते हैं। तो ये जो है 116 रुपए 18 पैसे आपका ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले ये वीडियो कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।